दोस्तों बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैचेस के लिए दिनेश कार्तिक को कप्तान बना दिया है। जिसके बाद जब ये बात दिनेश कार्तिक को पता चलती है तो वो एकदम से भावुक हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर दिनेश कार्तिक को मौका दिया। अगर आप भी ये खबर जानना चाहते हैं विस्तार से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक का करियर तो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की वजह से वो टीम इंडिया में वापसी कर पाए। वो टीम इंडिया में वापसी ही नहीं बल्कि टीम इंडिया का कप्तान भी बनकर दिखा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और अभी वो इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड से ही T20 और वनडे मैचेस खेलेगा, जिसमें टीम का सिलेक्शन भी हो गया है और उसमें दिनेश कार्तिक को भी मौका दिया गया है। दिनेश कार्तिक का करियर टीम इंडिया में काफी कम रहा। जब से MS धोनी ने टीम इंडिया को ज्वाइन किया था तब से दिनेश कार्तिक को बहुत ही कम मौका मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। दोस्तों टीम इंडिया का कप्तान बनने का सपना आज दिनेश कार्तिक का पूरा हो गया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे वार्म अप मैच में दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाया गया था। दिनेश कार्तिक की कप्तानी में टीम इंडिया ये मैच जीती भी। जिसके बाद जब दिनेश कार्तिक से पूछा गया कि आपको इस मैच का कैप्टन बनके कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है। मैं पहले से ही सोचता था कि मैं कभी टीम इंडिया के लिए कैप्टेंसी करूं और आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों जब ये बात दिनेश कार्तिक बता रहे थे तो वो एकदम भावुक हो गए थे।